राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आशीष जी हैं, जानते हैं इनसे आगे आने वाले जो दो तीन दिन है वो किस तरीके का बिहेव करने वाला है। आज लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है, देखा जा रहा था कि जो तापमान है वो 46 डिग्री तक पहुंच जा रहा है आने वाले वक्त के साथ। देखिए, जो आज हम लोगों ने पूर्वानुमान जारी किया था और कल भी हम लोगों ने कर रखा था, जो कि आज से हीट वेव आपको राहत मिलेगी हीट वेव से, उसी के अनुरूप आप देखेंगे आज कहीं भी लगभग हीट वेव जैसे कंडीशन नहीं थी पूरे राज्य में। अगर फोरकास्ट की बात करें अगले 5 दिनों के लिए, तो अब जो है थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी जो है ना वो स्टार्ट होगी, जो कि फुटहिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे और जो पूर्वोत्तर के जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उन डिस्ट्रिक्टों में आपको आने वाले अगले 4 दिन के दौरान आपको बारिश, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड देखने को मिलेंगे। जो बारिश की बात कर रहे हैं, क्या वो वैसे जिले होंगे जो आपको, या फिर तो दिख रहा है जैसे कि आपको उधर जो कटिहार, सुपौल आदि, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आज के लिए दे रखा है वार्निंग, किशनगंज हुआ, कटिहार हुआ, पूर्णिया हुआ, सुपौल और अररिया, ये चारों 5 डिस्ट्रिक्ट में आपको आज से लेके आज आपको थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कल की बात करें तो ये जितने भी फुटहिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आपको रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होंगी। उसी तरह आप देखेंगे डे 3 यानी 21 तारीख को भी, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपको इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेंगे इसमें। तो क्या इस बारिश को माना जाए कि बिहार में जो प्री मानसून की जो बारिश होती है वो खासकर जो नेपाल से लगे हुए जिले हैं वो? हाँ बिल्कुल, ये प्री मानसून सीजन की ही बारिश है। इसमें जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, इस तरह की जो बारिशें होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो प्री मानसून में होती है, कि आपको थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ विंड जो है कभी, इसके लिए हम लोगों ने वार्निंग दे रखा है कि विंड भी आपको चलेगा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो देखिए, मौसम विभाग से यही जानकारी मिल रही है कि जो आने वाला वक्त है अगले 24-48 घंटे के बीच में जो लोगों को जो हीट वेव की जो बात थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती दिख रही है, खासकर वैसे जिले जो नेपाल से लगे हुए जिले हैं वहां पर हल्की सी बारिश और थंडरस्टॉर्म की बात कही जा रही है, तेज हवा भी चलने की बात कही जा रही है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत जी, मीडिया पटना।